राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन दिनों अपने गृह नगर जोधपुर का पगफेरा बढ़ा दिया है। एक महीने में मुख्यमंत्री गहलोत तीसरी बार जोधपुर पहुंचे हैं। उनका जोधपुर से सीधे दिल्ली जाने का कार्यक्रम था, लेकिन बाद में रद्द कर दिया। इसी बीच सीएम गहलोत पीपाड़ पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि पीपाड़ से मेरा 50 साल पुराना रिश्ता है, इसे मेरा दूसरा घर भी कहा जा सकता है। यहां मैंने बीज और दवाइयों की दुकान चलाई थी। आप भी सुनिए कि आखिर सीएम गहलोत ने पीपाड़ से अपना और क्या रिश्ता बताया। देखो, पीपाड़ शहर यहाँ मैंने पढ़ाई करने के बाद में यहाँ मैंने खाद की, बीज की, दवाइयों की दुकान खोली थी। मेरा रिश्ता पीपाड़ से 50 साल का है, बचपन का है, इसलिए लोग कहते हैं दूसरा घर है मेरा। तो यहाँ आज वो काशीराम मिश्रा जी का निधन हो गया और पुराने मित्र थे सिद्धांत शर्मा जी, श्रीवल्लभ शर्मा जी, कई और मित्र थे, तो उनके परिवार में काफ़ी डेथ हो गई थी। तो इसलिए मैं उचित समय मैंने कि मैं जाऊँ और सब कुछ परिवार इसलिए मैं आया हूँ। और तो पुरानी यादें जो है सब ताज़ा हो रही हैं यहाँ, क्योंकि दुकान मैंने खोली, दुकान में खुद बैठता था, खाद बेचता, बीज बेचता, तो कई लोग पुराने मुझे मिले हैं, पुराने चेहरे सब याद आ गए। तो ये स्थिति है। और बताओ कोई बात, कोई किसान भी मिले सर जो पुराने आपके परिचित मिल गए? उन लोगों ने कोई समस्या? गाँव के लोग मिल गए, अस्पताल की प्रॉब्लम है। मैंने कहा कि आप लोग अपने मिलकर तय करो, अंदर या बाहर जा, हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना दिया पीपाड़ के अंदर। आप बताइए कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाना बड़ी बात है, और यहाँ 100 गांव लगते हैं आसपास के, तो ऐसी जगह बनना चाहिए सबको फायदा मिले, शहर वालों के लिए भी फायदा मिले, बाहर वालों को फायदा मिले। और लड़ाई चलती जाएगी तो फिर हॉस्पिटल आएगा कैसे? आएगा भी नहीं। सर राम ऐतिहासिक बजट आपने दिया है, ऐतिहासिक बजट सर, अब उसको चुनौती यह है कि उसको समय पर उसको, उसके लिए मैंने कहा सब कार्यकर्ता सर राम जन्मभूमि गाँव ढाणे तक पहुंचे, जो स्कीमों के फायदे हैं उनको पहुंचाएं वहाँ पे। आप गरीबों को मालूम पड़े भाई ये योजनाएं बनी सरकार की, बल्कि हमने शहरों में भी जो नई स्कीम लागू कर रहे हैं हम लोग, नरेगा की तरह शहरों में रोजगार की बहुत बड़ी योजनाएं हैं।